हाय वंस अगेन, आई एम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल कहना है हेल्प यू online.com। आज मैं आपको अपने चैनल के जरिए ये बताऊंगा कि हम क्लाउड में अपना डेटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कैसे सेव करेंगे तो या तो कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो भी डेटा है उसे क्लाउड में स्टोर करने के लिए एक सेफ साइट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, गूगल में जाकर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया हुआ वन ड्राइव एक सॉफ्टवेयर साइट है, हम उस साइट पे विजिट करेंगे। onedrive.live.com, हम गूगल में जाकर onedrive.live.com पे टाइप करके हम उस पर यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे और गूगल सर्च करने के बाद हम यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। अगर आप न्यू यूजर है तो आप रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, तो आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आवश्यकता होगी क्योंकि मैंने अदर किसी अकाउंट से इसे साइन इन नहीं किया हुआ है। साइन इन की बटन है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो फिर आप यहाँ पर क्रिएट वन करके यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए इसे। ये देखिए, आप यहाँ पर जाके अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं अपना जो भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है मैं उसे फिल कर दूंगा। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका वन ड्राइव का पेज है, आपने उसे लॉगिन किया हुआ है, वह यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फाइल है, फोटोज है, यहाँ पर जो भी है। आप ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी तो मेरा एम्प्टी है, लेकिन आप यहाँ से अपना जो भी है यहाँ पर अपलोड की बटन पे क्लिक करके आपका जो भी डेटा है आप उसे अपने ये देखिए, जब हम अपलोड की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है आप उसे सेव कर लीजिए आपके कंप्यूटर में, जहां पर भी आपने सेव कर रखा है उसे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह फ्री क्लाउड स्टोरेज का जो वीडियो है वन ड्राइव, आपको अच्छा लगा होगा। और हम वन ड्राइव को कैसे यूज करते हैं आपने इस वीडियो से यह सीखा होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए